बेटा बैठ जाओ। अच्छा बेटा, आप लोग कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कोई बच्चा बजाता है, जो जैसे हारमोनियम है या बजाता है कोई बच्चा? आप लोगों ने देखे हैं क्या क्या चीज़ों के बारे में जानते हैं? हारमोनियम हो गया और गिटार। हाँ गिटार है, सितार होता है। हाँ और तबला। हाँ तबला होता है, हैं बांसुरी। हाँ ये सब ढोल। हाँ ठीक है, हैं हाँ बैंड। तो इसमें जो कहानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें एक लड़की के बारे में है जिसे संगीत से बहुत प्रेम है। ठीक है, वो संगीत बहुत, बेटा उसे संगीत से बहुत प्रेम है और वो वायलिन बजाती है। ठीक है, और इसमें उस लड़की के संगीत के प्रति प्यार के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। रेवती संगीत की छात्रा थी। हैं आप लोग के क्लास में, स्कूल में म्यूजिक और डांस होता है ना जैसे, तो वैसे ही संगीत की छात्रा थी, यानी कि संगीत वो सीख रही थी। उसे वायलिन बजाना बहुत अच्छा लगता है, है ना। वायलिन भी एक तरह का वाद्य होता है, जो सितार गिटार इस तरह का होता है, उससे भी आवाज निकलती, तार होते हैं उसमें भी। ठीक है, जब भी उसे समय मिलता वह वायलिन बजाती, उसके जब भी टाइम मिलता तो वायलिन बजाने बैठ जाती थी। रेवती के घर के बाहर बरामदे में बहुत से गमले रखे थे, कि उसके घर में एक बगीचा था और उस बगीचे में खूब सारे गमले लगे हुए थे। गमले में रंग बिरंगे फूलों वाले पौधे थे और उन गमलों में जो पौधे थे वो खूब रंग बिरंगे फूलों वाले थे। बरामदे में सीमेंट का एक बेंच बना हुआ था। सीमेंट का बेंच जानते हैं? जैसे बैठने के लिए ऐसे बेंच जैसी होती है, तो वहां पर बेंच था। अब आप इसका अगर चित्र अपने आंखों के सामने लाएं तो आप बना सकते हो ना, हाँ, कि एक कुर्सी है उस पर है ना रेवती, एक लड़की है, उसके कम लॉन है, उसमें गमले लगे हुए हैं, गमलों में खूब सारे रंग बिरंगे फूल हैं और रेवती इन्हीं इसी बेंच में बैठकर वायलिन जो है उसको बजाया करती थी। वो वायलिन बजाने के लिए उस बेंच पे बैठ जाती थी जहाँ पर आसपास क्या था, पेड़ पौधे, खूब सारे पौधे थे गमलों में। एक दिन जब रेवती वायलिन बजा रही थी, उसका ध्यान दीवार के पास रखे गमले पर गया। इस गमले का पौधा मुरझाया हुआ था। मुरझाया हुआ मतलब सूख गया था, और इसका उल्टा क्या हुआ, मुरझाया का उल्टा खिला, समझ गए? तो खिला होने की जगह वो फूल जो था वो मुरझा रहा था और उसके पत्ते भी पीले पड़ गए थे। पत्ते वैसे कैसे होते हैं, हरे होते हैं, लेकिन जब सूखने लगता है पेड़ तो उसके पत्तों में पीलापन आ जाता है। रेवती को अपनी कक्षा में पढ़ा पाठ याद आया। उसने अपने कक्षा में लेसन पढ़ा था पेड़ों के बारे में। और बताओ पेड़ों के बारे में आपने भी पढ़ा है, क्या होती है जरूरत पेड़ों को, खाद और पानी और सूरज की किरणें, मिट्टी। हाँ तो उसी तरह से रेवती को भी अपने पाठ की याद आई और याद आया कि पौधों को हवा पानी और सूरज की रोशनी की जरूरत होती है। उसने देखा कि वो गमला जो था वो किनारे दीवार के पास था, तो उसने सोचा कि इस गमले को सूरज की रोशनी और पानी हवा की जरूरत है, तो उसने उसको गमला को बरामदे के बीच में रख दिया। ठीक है, ताकि उसे तीनों चीजें मिल सके। ठीक है, कि उसे लगा कि शायद दीवार के किनारे उसको हवा ठीक से नहीं मिल रही है या उसको सूरज की रोशनी ठीक से नहीं मिल रही है, तो उसने लाके उसको बीच में रख दिया। वो रोज उस पौधे की देखभाल करने लगी। अब उसका ध्यान जो था उस मुरझाए हुए पौधे पर जाता था और उसकी रोज वो देखभाल करती थी। तभी उसे याद आया कि विद्यालय में पुष्प प्रदर्शनी लगने वाली है। पुष्प प्रदर्शनी क्या हुई, फ्लावर शो, है ना। अभी लखनऊ में फ्लावर शो हुआ था, आपने देखा था, जिसमें खूब सारे फूलों की प्रदर्शनी लगी थी। तो ऐसे इनके विद्यालय में भी पुष्प प्रदर्शनी लगने वाली थी। हमारे स्कूल में भी होता है, फूलों की प्रतियोगिता होती है ना, जिसमें फूल लगाते हैं, जो सबसे बढ़िया फूल लगाते हैं, है ना, तो उसको इनाम मिलता है ना। तो उसी तरह से उसको भी याद आया कि उसके स्कूल में पुष्प की प्रदर्शनी लगने वाली है। तो वो उसने सोचा क्यों ना मैं भी इस पुष्प प्रदर्शनी में भाग लूं, है ना। उसके मन में आया, उसने जब फूल को देखा मुरझाया हुआ, तो उसने दिमाग में आया कि मैं भी क्यों ना इस प्रदर्शनी में भाग लूं।
आज से ही मैं अपने पौधे की अच्छी तरह देखभाल करूंगी और फिर एक सबसे सुंदर पौधे की को पुष्प प्रदर्शनी में ले जाऊंगी। उसने सोचा कि मैं आज से अपने इस पौधों की खूब देखभाल करूंगी और जो सबसे सुंदर फूल होगा उसको मैं अपने स्कूल में ले जाऊंगी। उस दिन से रेवती पौधों की और भी अधिक देखभाल करने लगी, यानी कि अब और भी ज्यादा वो ध्यान रखती थी। क्यों ध्यान रखती थी? क्योंकि आज उसे स्कूल में, उसे अपने स्कूल की प्रतियोगिता या पुष्प प्रदर्शनी में उस पौधे को ले जाना था। स्कूल से लौटकर वो उस बीमार पौधे को कुछ देर अवश्य देखती, यानी स्कूल से जैसे ही वो लौटती सबसे पहले उस गमले के पास बैठती और उस पौधे को ध्यान से जरूर देखती। क्या देखती होगी वो उसमें? हरा हो रहा है कि नहीं, इस पौधे को किस चीज की जरूरत है, इसके पत्तियां सूख रही हैं कि नहीं, है ना, या अब खिलना शुरू हो रहा है कि नहीं, है ना। हम लोग जब पौधा कभी मुरझाता है तो रोज उसको देखते हैं आके कि अब थोड़ा सा सीधा हो रहा है कि नहीं। जब वो बिल्कुल सीधा हो जाता है तो हमें लगता है हाँ इसका मतलब अब ठीक ठाक है, लेकिन जहाँ पौधा जरा झुकता है तो हमें लगता है कि कुछ गड़बड़ है इसमें, है ना। तो इसी तरह से वो भी स्कूल से आके सबसे पहले उस पौधे को देखती है, मानो उसका हालचाल पूछ रही हो, है ना। कैसा लगता है जैसे वो उसका हालचाल पूछ रही हो, लेकिन वो देखती क्या थी, हालचाल किस तरह से पूछती थी कि वो उस पौधे को देखती थी कि उस पौधे को किस चीज की जरूरत है। फिर बेंच पर बैठकर वायलिन बजाती, जब वो देख लेती कि पौधे के पास सब चीज है, पौधे को हर चीज की जरूरत हो गई है उसकी पूरी, तो वहीं बेंच पर बैठ के वो अपना वायलिन बजाया करती थी। मोहनम उसका प्रिय राग था, जो उसका सबसे प्रिय, उसको जो राग जिस पे वो बजाती थी, बहुत सारे राग होते हैं, अलग अलग राग होते हैं, तो उसी तरह से मोहनम उसका सबसे प्रिय राग था और उसे बजाकर वो बहुत खुश होती थी। कुछ देर वायलिन बजाने के बाद वो पढ़ाई करने चली जाती, यानी कि स्कूल से आती थी, रोज आते ही पेड़ पौधे का हालचाल लेती थी और उसके बाद जब उसको टाइम मिलता था वही बेंच पे बैठ के वो वायलिन बजाती थी। और कौन सा उसका सबसे प्रिय राग था? मोहनम, ठीक है। वो उस राग को बजाती, बड़ी खुश होती और जब थोड़ी देर बाद फिर वो पढ़ाई करने के लिए चली जाती। प्रतिदिन उसका यही कार्यक्रम बन गया था, अब रोज का उसका यही कार्यक्रम था। क्या उसका कार्यक्रम होता था बताओ? हाँ, सबसे पहले उस पौधे के पास जाती थी, हाँ, और उसको देखती थी, उसके हालचाल लेती थी, मानो उसके हालचाल पूछ रही हो, लेकिन वो देखती थी कि उस पौधे को किस चीज की जरूरत है और जब वो देख लेती थी कि उसकी सब जरूरतें पूरी हैं तो वहीं बेंच पे बैठ के वो वायलिन बजाती, ठीक है। वह बीमार पौधा अब काफी सुंदर और चिकने हरे हरे पत्तों से भर गया था, यानी कि जो मुरझाया हुआ पौधा था उसमें क्या खास बात हो रही थी? वो अब हरा हो रहा था, यानी कि उसको सब चीजें मिल रही थी और वो अब काफी सुंदर हो गया था और उसके पत्ते भी जो पीले पड़ रहे थे अब उसमें हरे हरे पत्ते आ गए थे। एक शाम रेवती जब पौधे के पास आकर बैठी, उसने देखा पौधे की 2-3 पत्तियां किसी कीड़े ने कुतर दी है। अब वो रोज क्योंकि ध्यान से देखा करती थी तो उसने देखा कि पत्तियों को किसी ने कुतर दिया है। तो रेवती एक एक पत्ती को आगे पीछे से देखने, उसने एक एक पत्ती को हटा हटा के देखा, तभी उसकी नजर एक छोटे से कीड़े पर गई। उसने देखा एक छोटा सा कीड़ा उस पौधे पर बैठा था जो पौधे के तने से चिपका हुआ था। पौधे का तना क्या होता है? जो उसकी डंडी होती है। रेवती ने एक सींक से उस कीड़े को हटाया और दूर फेंक दिया। फिर उसने थोड़ी सी कीटनाशक दवा पौधे पर छिड़क दी। कीटनाशक मतलब कीड़ों को मारने वाली दवा, ठीक है। तो उसने उसमें कीटनाशक दवा डाल दी। क्यों डाली? ताकि वो कीड़ा फिर से उस पे ना आए, है ना। अगर वो कीड़ा रहता तो क्या करता पौधे को? सारी पत्तियां वो खा जाता और उसमें फिर कलियां आती ही नहीं, फूल निकलते ही नहीं, है ना। तो उसने उस पे कीटनाशक दवा पौधे पर छिड़क दिया। वायलिन बजाने का समय हो रहा था। रेवती बेंच पर बैठकर वायलिन बजाने लगी। उसका शाम का टाइम होता था रोज वायलिन बजाने का। अपने प्रिय राग मोहनम को उसने बहुत धीमी लय में शुरू किया। उसने बहुत धीमी लय में, शाम का टाइम हो गया था और शाम के समय वो क्या करती थी रोज? वायलिन बजाती थी। तो उसने धीमे स्वर में अपना वायलिन बजाना शुरू किया। राग अपनी गति पर था। गति मतलब गति और किस चीज में इस्तेमाल होता है? बस ने अपनी गति पकड़ ली, यानी कि चलने लगी। तो राग भी अपनी गति पर, मतलब राग अपना चल रहा था। अचानक वो पौधा झुक गया था और धीमे धीमे हिल रहा था। रेवती ने सोचा कि शायद उसका ये भ्रम है। भ्रम मतलब कि शायद उसको धोखा हो रहा है ना। तो उसके लेकिन तेज हवा भी नहीं थी,
है ना, उससे पहले तो लगा कि हाँ शायद हो सकता है भ्रम हो, लेकिन तेज़ हवा भी नहीं थी। वो वायलिन रख कर पढ़ने चली गई। उसने को ऐसा शक सा हुआ कि शायद हो सकता है पेड़ जो है वो हिल रहा है वायलिन की आवाज़ सुनकर, तो उसने फिर ध्यान नहीं दिया कि उसको ऐसे ही लगा होगा, और वो अपना पढ़ने चली गई। वो वायलिन रख कर पढ़ने चली गई। अगले दिन जब वह पौधे को पानी देकर वायलिन बजाने बैठी तो उसका ध्यान फिर से पौधे पर गया। पौधा सीधा खड़ा था, है ना, हमेशा आप देखते हैं दिन में पौधा सीधा रहता है कि नहीं, और उसकी पत्तियां नीचे झुकनी शुरू हो गई थी। उसकी पत्तियां जो थी वो नीचे को थी। फिर धीरे धीरे पौधे का तना भी रेवती की तरफ झुक आया। रेवती बहुत ध्यान से देख रही थी। पौधा धीमे धीमे झूम रहा था जैसे वह संगीत का आनंद ले रहा हो। रेवती को आश्चर्य हुआ। उससे सोचा ये जरूर मेरी वायलिन सुनता है, ठीक है। अब हुआ क्या, पेड़ जो था वो बिल्कुल सीधा था, लेकिन वो उसने देखा कि पेड़ का झुकाव फिर वायलिन जहाँ संगीत आ रही थी आवाज उसकी तरफ हो गया है, और वो धीरे धीरे हिल रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे वो झूम रहा है ना, कि संगीत सुन के जैसे हम लोग नहीं अच्छा गाना सुनते हैं तो झूमने लगते हैं बड़े ध्यान से, तो वैसे ही वो पौधा जो था वो भी धीमे धीमे झूम रहा था। रेवती ने यह जांचने के लिए कि क्या पौधा सचमुच वायलिन सुनता है, उसको अब ये दिमाग में बात बैठ गई कि ये मेरा वायलिन सुनता है, वायलिन पर एक तेज धुन बजानी शुरू करी। अब उसने क्या किया, बहुत तेज वाला धुन बजाना शुरू किया। वह तेज धुन पौधे को पसंद नहीं आई, उसने झुकना झूमना बंद कर दिया। और वो जो पौधा जो उस राग पे झूम रहा था, उस पौधे ने झूमना बंद कर दिया, उसको बिल्कुल पसंद ही नहीं आया। वह ऐसे सीधा खड़ा हुआ जैसे वह रेवती से नाराज हो। वो पौधा जो था जो झुका हुआ था वो सीधा खड़ा हो गया कि जैसे रेवती को उस रेवती का राग उसे पसंद नहीं आया। रेवती खुशी से झूम उठी। अब उसको बड़ा मजा आया ये देख करके, है ना, आप ऐसी कोई चीज देखते हो मजा आता है कि नहीं, तो वैसे उस बच्चे को भी बड़ा मजा आया कि अरे वाह ये तो मेरा राग सुनता है। उसे विश्वास हो गया कि पौधा उसका संगीत सुनता है। अब उसको ये चीज़ का विश्वास हो गया कि ये पौधा जो है उसका गाना जो है जो उसका संगीत है जो वायलिन पर वो बजाती है वो उसको रोज सुनता है। उसने पौधे के पास जाकर उसे बहुत प्यार किया। उसे बड़ा प्यार आया अपने पौधे पे और उसने पौधे को खूब प्यार किया। रेवती को लगा कि उसका एक नया दोस्त मिल गया है ना, अभी तक वो अकेले बजाती थी, अब उसे लगा कि उसे एक नया दोस्त मिल गया है और वो जो है उसका साथ देता है उसके संगीत में, जो उसी की तरह राग मोहनम भी पसंद करता है। उसने सोचा कि ये जो पौधा जो मेरा दोस्त बना है इसको भी मेरी तरह राग मोहनम पसंद है। रेवती को तो पूरा भरोसा हो गया कि उसका पौधा संगीत प्रेमी है। अब उसे विश्वास हो गया कि जो उसका पौधा था वो क्या था, संगीत प्रेमी था। लेकिन उसकी इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई, अपनी माँ को भी नहीं, क्योंकि बच्चे सबसे पहले अपनी हर बात माँ को बताते हैं। पर उसने सोचा कि अगर मैं ये बात सबको बताऊंगी जाके कि ये पौधा मेरा संगीत सुनता है और मोहनम राग पे बड़ा खुश होता है, झूमता है मेरे साथ, और अगर मैं कोई और राग बजाती हूँ तो नाराज़ होकर सीधा हो जाता है, तो कोई इस पर विश्वास नहीं करेगा, सब उसकी हंसी उड़ाएंगे, है ना, तो इसलिए उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई। अब रेवती रोज वायलिन पर उस पौधे को मोहनम राग सुनाती। अब वो रोज उस पौधे के पास जाती और उसको कौन सा राग सुनाती, मोहनम। पौधा बहुत खुश था, इसलिए दिन प्रतिदिन सुंदर और हष्टपुष्ट होता जा रहा था। अब वो पौधे को राग बहुत पसंद था, तो वो दिन प्रतिदिन क्या हो रहा था, सुंदर हो रहा था, हष्टपुष्ट मतलब खूब मोटा और हरा और पत्तियां खूब उसमें आती जा रही थी, है ना। और तो और मौसम से पहले ही उसमें कलियां भी आ गई, है ना, कि अब जब वो तेजी से बढ़ रहा था तो जल्दी उसमें कलियां भी आ गई जो एक दो दिन में खुल खिल कर फूल बनने वाली थी। कि अब उस पौधे में कलियां भी आनी शुरू हो गई और जो थोड़े दिन में क्या बन जाती, फूल। रेवती इसलिए भी खुश थी कि दो तीन दिन बाद ही तो प्रतियोगिता होने वाली थी। अब उसने किस लिए ध्यान आया, पुष्प प्रदर्शनी होने वाली थी, है ना, तो वो बड़ी खुश थी। एक तो वो राग सुनता था पौधा, और दूसरे उसके विद्यालय में जो पुष्प प्रदर्शनी होने वाली थी उसके लिए उसने सोचा था, खुश हो रही थी कि अब इसमें फूल भी आने वाला है। प्रतियोगिता के दिन वह सुबह जल्दी उठ गई और झटपट अपने पौधे को देखने के लिए बरामदे में आई, है ना। उसे जल्दी से सुबह, जैसे आपके स्कूल में कोई कंपटीशन होता है सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके तैयारी करते हैं, तो वैसे ही वो जल्दी से उठी और अपने पौधे को देखने के लिए जब बरामदे में आई, परंतु ये क्या, वहाँ ना तो पौधा था ना गमला, वहाँ ना तो गमला था और ना वो पौधा।
वह दौड़कर रसोई घर में गई और बोली, माँ माँ क्या आपने मेरे गमले को उठाकर कहीं रख दिया है? उसे लगा कि माँ ने शायद गमला उठा के कहीं रख दिया हो। नहीं तो, मैंने तो नहीं रखा, माँ ने कहा। फिर मेरा गमला कहाँ गया माँ? क्या कल कोई हमारे घर आया था? उसने कहा कि कोई घर आया था क्या, कोई ले तो नहीं गया हमारा गमला? हाँ, कल एक दो पड़ोसी आए थे और वे तुम्हारे पौधे की तारीफ भी कर रहे थे। उसके बाद से तो मैं उधर गई ही नहीं, मुझे नहीं मालूम पौधा कहाँ गया। ठीक है, माँ ने कहा कि हाँ कल दो तीन लोग आए थे पड़ोसी और वो तुम्हारे पौधे की बड़ी तारीफ कर रहे थे, लेकिन वो लोग चले गए और उसके बाद तो मैं देखने भी नहीं गई। अब रेवती उदास हो गई। अब दुख होने की बात थी कि नहीं, है ना, कि जिस पौधे को वो उसने इतना प्यार किया, इतना ध्यान रखा, उसको रोज राग सुनाती थी, उसको देख देख के वो खुश होती थी और उसे अपनी प्रतियोगिता में लेने जाने वाली थी, वो पौधा वहाँ पर नहीं था। उसका मन बहुत दुखी था। उसने दौड़ दौड़ कर अपने पड़ोसियों के यहाँ देखा, उनसे पूछा भी, पर किसी ने उसके पौधे के बारे में कुछ नहीं बताया। रेवती उदास उदास रेवती घर लौट आई। उसने सब आस पड़ोस में सबके घरों में जाके पूछा कि भाई मेरा गमला तो नहीं देखा किसी ने, है ना, मेरा पौधा। नन्ना सा प्यारा सा दोस्त, वह पौधा तो उसका दोस्त था, नन्ना सा प्यारा सा दोस्त जिसे उसका प्यार चाहिए था। बड़े प्यार से पाला था उसे। बेंच पर बैठे बैठे वह सोच रही थी, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था वह क्या करे। गमले को खोने की रिपोर्ट पुलिस थाने में भी तो नहीं कर सकती। अब पुलिस थाने में अगर कोई बड़ी चोरी हो जाए तो आप जा करके रिपोर्ट लिखा सकते हैं, लेकिन अब गमला गायब हो गया उसकी रिपोर्ट तो लिखा नहीं सकती। तो वो बड़ी उदास होकर के वो बैठी अपना घर में सोच रही थी। अच्छा, लोग पुष्प प्रदर्शनी के मैदान की ओर जा रहे थे, जहाँ पे पुष्प प्रदर्शनी होने वाली थी उस मैदान की तरफ लोग जा रहे थे। उसकी सभी सहेलियाँ भी वहाँ जा रही थी, पर रेवती का मन घर से बाहर कहीं जाने का नहीं हो रहा था, क्योंकि वो बहुत उदास थी कि उसका वो संगीत प्रेमी पौधा जो था वो गायब हो गया था। जब उसकी सहेली ने उसे बहुत मनाया तो बेमन से उसने उसके साथ पुष्प प्रदर्शनी में जाने को तैयार हो गई। कि तभी उसकी सहेली आई और उसने उसको खूब बोला कि नहीं नहीं तुम चलो चलो मेरे साथ। आपकी सहेलियाँ बोलती तो आप तो चलने को तैयार हो जाते हो ना, तो ऐसे ही खूब उसको बोला तो ये भी चलने को तैयार हो गई। प्रदर्शनी के मैदान में चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों वाले गमले रखे थे। कि वहाँ पे प्रदर्शनी में क्या, किस चीज़ की प्रदर्शनी थी? फूलों की पुष्प प्रदर्शनी थी, तो वहाँ पे खूब सारे रंग बिरंगे फूलों वाले गमले रखे थे। इन सभी गमलों में एक एक पर्ची लगी हुई थी और गमलों में जिसके नाम की थी वो गमला, उसके पर्ची लगी हुई थी जिस पर उन्हें लाने वाले का नाम व पता लिखा था, कि उस गमले को जो भी लाया उसका नाम और पता लिखा था। रेवती वहीं एक बेंच पर बैठकर चारों तरफ देख रही थी, तभी उसकी नज़र अपने पौधे पर पड़ी, जिस पौधे को वो रोज़ संगीत सुनाती थी, है ना, और जिस पौधे को उसने इतने प्यार से देखभाल की थी, उसकी नज़र उस पौधे के ऊपर पड़ी कि वो प्रदर्शनी में रखा हुआ था। वो दौड़कर पौधे के पास गई, उस पर लगी पर्ची पड़ी, पर्ची पर किसी और का नाम लिखा था। जब उसने पता पढ़ा तो उसे आश्चर्य हुआ, क्योंकि यह तो उसके पड़ोसी का पता था। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी ने, पड़ोसी ने उसका गमला चुरा लिया और उसका गमला ले जाके प्रदर्शनी में रख दिया और अपना नाम और पता उस पे लगा दिया। रेवती ने संयोजक जो उस चीज प्रदर्शनी का संयोजक था उसके पास गई और उससे बोला कि ये पौधा मेरा है, इसे उन लोगों ने चुरा कर यहाँ अपने नाम से रखा है। उसने कहा ये पौधा तो मेरा है और इन लोगों ने, मेरे जो पड़ोसी हैं उन्होंने चुरा करके मेरा पौधा जो है अपना नाम लिख करके यहाँ रखा है। तो वो पूछते हैं कि पर तुम कैसे कह सकती हो कि ये पौधा तुम्हारा है, ऐसा पौधा क्या किसी और के पास नहीं हो सकता, है ना भाई, गमले तो पौधे तो फूल सब एक जैसे होते, तो कहते क्या ऐसा पौधा किसी के पास और नहीं हो सकता। नहीं, इस पौधे को मैं पहचानती हूँ, मैंने इससे बहुत प्यार से इसे बड़ा किया। उसने कहा कि मैं इस पौधे को पहचानती हूँ और मैंने इसे बहुत प्यार से बड़ा किया। तुम्हारी बात ठीक हो सकती है पर हम तुम्हारा यकीन कैसे करें। उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारी बात सही हो सकती है, लेकिन हम कैसे यकीन करें कि तुमने इसे बड़ा किया है। रेवती चुप हो गई। अब वो क्या कर सकती थी, आंखों में आंसू भरे वो अपने पौधे को देखने लगी। अब उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो दुखी होकर के अपने पौधे को देखने लगी। पौधे को देखते देखते उसके मन में एक विचार आया। अब एकदम से उसके दिमाग में ख्याल आया, वो फिर संयोजक के पास बोली और बोली मेरा पौधा संगीत सुनकर झूमने लगता है। उसने कहा कि मेरे पौधे की खास बात क्या है कि वो संगीत सुनता है
तो वो झूमने लगता है। मैं अभी घर से वायलिन लाकर इसे सुनाती हूँ। उसने कहा मैं अभी वायलिन लेके आती हूँ, मैं इसे अभी सुनाती हूँ। यदि यह मेरी वायलिन सुनकर झूमने लगे तब तो आपको विश्वास हो जाएगा। उसने कहा कि अगर ये वायलिन की आवाज़ सुन के झूमने लगेगा तो आपको विश्वास हो जाएगा कि ये मेरा है। रेवती की बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग हंसने लगे। अब सबको, उसको पहले भी पता था कि कोई मेरी बात का विश्वास नहीं करेगा, है ना। तो जब उसने ये बात बताई तो सारे लोग उसकी हंसी उड़ाने लगे। तुम्हारे पौधे के क्या कान है जो ये संगीत सुनकर झूमता है? परंतु रेवती अपनी बात को साबित करके दिखाना चाहती थी, वो सबको दिखाना चाहती थी कि ये बात सही है। वो भागी भागी गई और घर से अपना वायलिन उठा लाई। पौधे के सामने खड़े होकर उसने वायलिन पर धीरे धीरे प्रिय राग मोहनम बजाना शुरू किया। राग बजाते बजाते वह स्वयं इतनी मगन हो गई कि कुछ समय के लिए पौधे की ओर देखना भी भूल गई, है ना। कि जब वो राग बजा रही थी तो वो इतनी खो गई उस राग को बजाने में कि वो पौधे को देखना भूल गई। परंतु वहाँ खड़े संयोजक व अन्य सभी लोग ध्यान से पौधे की ओर देख रहे थे। उनके देखते देखते पौधा रेवती की ओर झुक गया, जहाँ से संगीत की आवाज़ आ रही थी उस तरफ झुक गया और सुर के साथ धीरे धीरे झूमने लगा। सभी लोग हक्के बक्के होकर उस आश्चर्य को देख रहे थे। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई पौधा संगीत इतने प्रेम से सुनता हो। उन्हें आज पता चला कि पौधे संगीत भी सुनते हैं और मनपसंद संगीत पर मुग्ध होकर झूमते भी हैं। तो अब इन संयोजकों को या लोगों को, जिन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, उनको अब पता चला कि पौधे जो हैं वो सुनते हैं और अपने प्रिय संगीत पे या उनके जो चीज़ पसंद आती है उस पर वो झूमते भी हैं। सच और झूठ का निर्णय संगीत के द्वारा हो चुका था कि क्या सच था और क्या झूठ, वो पता चल गया था। पौधा चुरा कर लाने वाली महिला ने अपनी गलती मान ली थी। उसने कहा कि हाँ, मैंने गलती की, मैंने इस पौधे को चुराया। प्रतियोगिता हुई, रेवती के पौधे को सर्वश्रेष्ठ ठहराया गया। सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे अच्छा, श्रेष्ठ मतलब अच्छा, है ना, और सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे अच्छा। उसे पुरस्कार मिला। रेवती गर्व से अपना पौधा और पुरस्कार लेकर घर लौट गए। ठीक है, अच्छी लगी स्टोरी? ठीक है, तो इस स्टोरी को आप लोग पढ़िएगा, फिर हम लोग इसकी नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज